आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मौसम ने अचानक करवट ली। पिछले 3-4 दिनों से मौसम कुछ बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ओलावृष्टि लगातार जारी है, किसानों की फसल पक कर तैयार है और इसी बीच अगर ओलावृष्टि हो रही है तो किसानों पर दोहरी मार इसे कहा जा सकता है। देख सकते हैं कि किस कदर यहां पर ओले गिरते हुए दिख रहे होंगे, बाल्टी में भी ओले एकत्र आपको दिखाई दिए। ये देखिए यहां पर ये जो ओले गिर रहे हैं, मंगलवार 19 मार्च 2024 को दोपहर में ओले यहाँ बरसते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी जिले के ग्रामीण अंचलों में ओलावृष्टि लगातार हो रही है। दोपहर लगभग 2-2.5 बजे के बाद, ऐसा मौसम विभाग के सूत्रों का कहना है कि 2-2.5 बजे के बाद कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है और कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होने के साथ ही बारिश आरम्भ हो जाती है। बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पर ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान बहुत ज़्यादा है। ओलावृष्टि के बाद किसान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, किसान परेशान नज़र आ रहे हैं। जिले भर में जिस तरह से यहाँ पर ओलावृष्टि हो रही है, ओलावृष्टि को हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ओले गिर रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिले भर में ओलावृष्टि लगातार हो रही है। ये देखिए ग्रामीण अंचलों के नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में किस तरह से सिवनी जिले में ओले लगातार गिर रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। और एक हम आपको ये भी बता दें कि चूँकि आचार संहिता प्रभावी है, इसलिए बहुत ज़्यादा राजनीतिक दल के नेता इससे बच रहे हैं, पर इसके बाद भी जिला प्रशासन ने तत्काल ही किसानों को राहत मुहैया कराने के लिए सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। केवलारी के पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह भी अपने क्षेत्र में लगातार, केवलारी विधानसभा क्षेत्र में जैसे ही उन्हें ओलावृष्टि की खबर मिली, राकेश पाल सिंह मौके पर पहुंचे और किसानों से मिलकर उन्होंने किसानों की पीड़ा जानी। उन्होंने हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है, किसानों की मदद करने का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ओले गिरे हुए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हमने दिखाए, बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी हम आपको लगातार ही दिखा रहे हैं। मौसम विभाग के सूत्रों का कहना है कि अभी 2-3 दिन इस तरीके का मौसम रहा और आने वाले समय में भी संभावना इसी तरह की है कि पानी ओलावृष्टि हो सकती है। कम दबाव का क्षेत्र बन रहा, जिले भर में जिस तरह से ओलावृष्टि हो रही है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह यहाँ पर सिवनी जिले में ये लगातार तीसरा चौथा दिन है जब ओले गिर रहे हों, ओले लगातार ही गिरते नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी जिले में पिछले कई सालों से फरवरी माह के अंतिम सप्ताह या मार्च माह के पहले सप्ताह में बारिश और ओलावृष्टि कई सालों से ये जारी है, ऐसा लोगों का कहना है। पर इस बार ओलावृष्टि दूसरे पखवाड़े में 15 मार्च के उपरांत, मार्च के दूसरे पखवाड़े में ओलावृष्टि कुछ हद तक ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ओले आपको सड़कों पर, खेतों में दिखाई दे रहे होंगे और ओले के कारण खड़ी फसल बिछने के कगार पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश पाल सिंह, सिवनी के विधायक दिनेश राय, दोनों विधायक किसानों से सतत संपर्क में हैं और दोनों विधायकों के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे लगातार ही इस पूरे मामले को राज्य शासन के संज्ञान में ला रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में ला रहे हैं किसानों की व्यथा और पीड़ा को। इसके साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा, जिला कलेक्टर क्षितिज सिंघल के द्वारा भी लगातार ही
इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि राजस्व अधिकारी जाएं और मौके पर जाकर इससे ओले से होने वाली नुकसान जो हुआ है उसका सर्वेक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सिवनी जिले में अचानक ही मौसम ने करवट ली है और कुछ काफ़ी हद तक मौसम में ठंडक घुल गई है। सुबह ठंडक, उसके बाद 12-1 बजे तक गर्माहट और 3 बजे के बाद फिर जिले भर में बारिश जैसा मौसम बन रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ओलावृष्टि से कितना नुकसान सिवनी जिले के किसानों को हुआ है इस बारे में फिलहाल कोई ठोस जानकारी तो नहीं है। सर्वेक्षण के उपरांत ही जो जानकारियां सामने आएंगी उसके बाद ही बताया जा सकता है कि कितना नुकसान ओलों के कारण किसानों की फसलों को हुआ है। यहाँ मैदान में भी आप देख सकते हैं लगातार ही ओले गिरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें पसंद आ रही हो तो आप उन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे हम इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।